गौ कृपा अमृतम, ये गौ कृपा अमृत का बैक्टीरिया है, ये छाछ है लच्छी और ये गुड़ है। हम अभी 400 केजी का, केजी लीटर का, 400 लीटर का ये गौ कृपा अमृतम बना रहे हैं। तो ये गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया 2 लीटर है, 2 लीटर छाछ और 4 लीटर गुड़ है। इसको हमने 2 बैरल लिए हैं, 200 लीटर का बैरल है, 2 कुल मिला के 400 लीटर हुआ। अभी हम इसको गुड़ को, इस गुड़ को मेरी भाई आधा आधा इसमें गुड़ डालेंगे। ले लीजिए, इसमें आधा डाला, 2 लीटर गुड़ गुड़ जो हो तुम्हें बस 2 किलो गुड़ इसमें डाला। गौ कृपा अमृतम बना रहे हैं 400 लीटर में, 2 लीटर इसमें गुड़, 2 लीटर लच्छी और 1 लीटर गौ कृपा अमृतम। हवे अलेली ये अब लच्छी डालेंगे, 2 लच्छी है, लच्छी बस। अब इसमें थोड़ी घुमा ना खेजी નાખી દો ને પછી છે ને એ હલાવી નાખજો, હા એ ગૌ કૃપા અમૃતમ બેક્ટેરિયા એ સાઈડ 1.5 લિટર થી હોગી હવે એસે ડાલ કે दूसरे में डाल, बस बस नाक दिए, ये 2 3 मिक्स हो गया, 3 डाल दिया, गौ कृपा अमृतम गुड़ और गाय, देसी गाय की दूध की लच्छी या छाछ। अब हम इसको हिलाएंगे, ये सब बड़े लोग हमको हेल्प करते हैं,
ऐसे हिलाने का। गौ कृपा अमृतम 6 या 7 दिन में, ये सियाड़ा में ठंडी ऋतु में ये 6-7 दिन लगता है, और धूप में वो 4 या 5 दिन लगता है। अभी ठंडी का मौसम है थोड़ा बहुत। राजा ये कंप्लीट हो जाए 6-7 दिन के बाद, इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं और जमीन में भी आप टपक पद्धति हो या पानी में पूरा जमीन को भिंजो के भी आप डाल सकते हैं। गौ कृपा अमृतम